दोस्तों आज देखते हैं कर्नाटका की ज्योग्राफी को। कर्नाटका के लिए कहते हैं वन स्टेट मेनी वर्ल्ड्स, जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट उसकी ज्योग्राफी को जाता है। अपने नॉर्थ में गोवा और महाराष्ट्र, ईस्ट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, साउथ में तमिलनाडु और केरला, और वेस्ट में अरेबियन सी से सराउंडेड है। 31 डिस्ट्रिक्ट्स वाला ये भारत का राज्य डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न साइड पर सिचुएटेड है। यहाँ का लैंडफॉर्म काफी ऊपर नीचे देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ भारत के वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल्स पाए जाते हैं, जैसे कि जोग फॉल्स, अब्बे और हिब्बे फॉल्स और शिवन समुद्रा। फिजियोग्राफिकली कर्नाटका को 4-5 में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, कोस्टल रीजन। कर्नाटका के पास लगभग 320 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और इस कोस्ट के अलोंग मौजूद है मालाबार कोस्ट प्लेन्स। दूसरा, वेस्टर्न घाट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहे जाने वाले वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका पहुंचते ही अपने हाइट को बढ़ाकर 750 से 900 मीटर तक ले जाते हैं। तीसरा, डेक्कन प्लेटू का पार्ट कर्नाटका प्लेटू। यहाँ की सॉइल काफी पोरस और इनफर्टाइल होती है, लेकिन रिवर बेसिन्स की सॉइल लोमी और फर्टाइल रहती है। और फोर्थ है नॉर्थ वेस्ट का ब्लैक सॉइल ट्रैक। ये वो रीजन है जहाँ अंडरलाइंग वोल्केनिक रॉक, ह्यूमस रिज और कॉटन ग्रोइंग रेगुर सॉइल प्रोड्यूस करते हैं। कर्नाटका के मेजर रिवर्स घाट से ओरिजिनेट करके वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। उदाहरण के लिए कृष्णा, घटप्रभा और तुंगभद्रा। वहीं शरावती और कालिंदी वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। दोस्तों आप कर्नाटका के किस डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अजब है एमपी की ज्योग्राफी भी बेहद अजब गजब है। हार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड ये स्टेट राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से सराउंडेड है। 55 जिलों में डिवाइडेड इस स्टेट को फिजियोग्राफिकली 3 रीजन में डिवाइड किया जाता है। पहला रीजन कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड, जो साउथ में नर्मदा सोन वैली, ईस्ट में कैमूर रेंज और वेस्ट में अरावली माउंटेन रेंज के बीच पड़ता है। सेंट्रल हाईलैंड को फर्दर 5 रीजन में सब डिवाइड किया जाता है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और मंदसौर रीजन में फैला सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवारी, दतिया और शिवपुरी रीजन में फैला बुंदेलखंड प्लेट्यू, सतना, रीवा और दमोह रीजन में स्प्रेड विंध्यन स्कार्पलैंड, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, मंदसौर, झाबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट में फैला मालवा प्लेट्यू, और लास्ट मंडला, जबलपुर, नर्मदापुर, खंडवा और देवास जैसे रीजन में मिलने वाली नर्मदा सोन वैली। इस फिजियोग्राफिक डिवीजन का सेकंड रीजन है सतपुड़ा रेंज, जो सदर मध्य प्रदेश में है और नर्मदा और तापी के बीच लोकेटेड है। इसके एक्सटेंशन हैं राजपीपला, महादेव और माइकल हिल्स। थर्ड रीजन है ईस्टर्न रेंज, जिसे बघेलखंड भी कहते हैं। ये रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ राइस, लिंसीड और ज्वार उगता है। मध्य प्रदेश की मेजर रिवर्स है भारत के लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा, तापी, चंबल, माही, सिंध, केन, धासन और सोन। इस स्टेट में भारत का हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है और सबसे हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन भी पाई जाती है। दोस्तों शेयर करिए इस वीडियो को अपने मध्य प्रदेश के दोस्त के साथ। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को मध्य प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं। दोस्तों आज देखते हैं गुजरात की ज्योग्राफी को। इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट स्टेट पाकिस्तान, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। भारत की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला ये स्टेट गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के साथ साथ अरेबियन सी से भी सराउंडेड है। लॉन्ग कोस्ट लाइन के चलते यहाँ कांडला और पोरबंदर जैसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। 33 डिस्ट्रिक्ट के साथ गुजरात मेनली 3 ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइडेड है। पहला ये नॉर्दर्न पार्ट, जिसे कच्छ कहते हैं, और इसमें भारत का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट और लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला डिस्ट्रिक्ट कच्छ आता है। यहाँ का 50% से ज्यादा एरिया हाई सेलाइन अनप्रोडक्टिव डेजर्ट से कवर्ड है, जिसे रन ऑफ कच्छ कहते हैं। ये रीजन भारत के सीस्मिक जोन 5 में आता है, और इसीलिए कच्छ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भुज में अब तक का हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया था। दूसरा ये पेनिनसुलर पार्ट, जिसे सौराष्ट्र या काठियावाड़ कहते हैं, इसमें राजकोट, जामनगर, पोरबंदर और जूनागढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है और मेन क्रॉप्स हैं व्हीट, मिलेट, पीनट्स और कॉटन। तीसरा ये हिस्सा, जैसे मेनलैंड गुजरात कहते हैं, और इसे फर्दर नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात में डिवाइड किया जाता है। इस हिस्से में ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल मिलती है, और यहाँ भी कॉटन, वीट और ग्राउंडनट उगाया जाता है, और डेयरी फार्मिंग भी लार्ज स्केल पर की जाती है। स्टेट की मेजर रिवर्स है नर्मदा, तापी, साबरमती और माही। दोस्तों शेयर करिए इस वीडियो को अपने गुजराती दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए कि हमें अगले वीडियो में किस राज्य की ज्योग्राफी देखें। आज चलते हैं वेस्ट बंगाल की ज्योग्राफी को देखने। दोस्तों वेस्ट बंगाल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हिमालयाज और बीचेस दोनों देखे जा सकते हैं, और ये स्टेट ज्योग्राफी के मामले में काफी ब्लेस्ड है। ये इंडिया के ईस्ट में लोकेटेड है और बिहार, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम, असम, मेघालय, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। वेस्ट बंगाल में मिली 4 ज्योग्राफिकल रीजन है। पहला, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, जो काफी रिसोर्स रिच रीजन है और इसकी वजह से यहाँ बीरभूम और रानीगंज जैसे हाई कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है। सेकेंड, हिमालयन माउंटेन रीजन, जो नॉर्थ बंगाल में सिचुएटेड है, और यहाँ पर दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कुर्सियोंग, मिरिक और संदकफू जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन पाए जाते हैं। इस रीजन में टी का कल्टीवेशन किया जाता है। थर्ड रीजन है लोअर गैंगेटिक प्लेन रीजन। ये मुर्शिदाबाद, नदिया, बर्धमान, हुगली, हावड़ा और मेदिनीपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। इस रीजन से गंगा रिवर बहती है, जो फरक्का के पास बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। इस बेल्ट में पैडी और जूट का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होता है।
फोर्थ रीजन है साउथ में लोकेटेड कोस्टल बेल्ट, जिसमें मेनली पूर्व मेदिनीपुर और साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यहाँ पर है सुंदरबन डेल्टा और सुंदरबन नेशनल पार्क, जहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट मौजूद है। सुंदरबन डेल्टा के बाद गंगा सागर, हेनरीज और जम्मू द्वीप जैसे आइलैंड्स हैं, और फिर नीचे है बे ऑफ बंगाल। इस स्टेट की मेजर रिवर्स हैं गंगा, हुगली, दामोदर, तीस्ता और महानंदा। दोस्तों, आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आज देखते हैं महाराष्ट्र की ज्योग्राफी को। भारत का थर्ड लार्जेस्ट और सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट महाराष्ट्र पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ये अपने नॉर्थ में गुजरात और मध्य प्रदेश, ईस्ट में छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट में तेलंगाना, साउथ में कर्नाटक और गोवा, और वेस्ट में अरेबियन सी से सराउंडेड है। ये स्टेट टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। वहीं इसके रीजनल सब डिविजन की बात करें तो इसका ये हिस्सा कोंकण, ये हिस्सा मध्य महाराष्ट्र, ये मराठवाड़ा और ये विदर्भा कहलाता है। इसके वेस्टर्न कोस्ट के पास मौजूद है वेस्टर्न घाट्स यानी सह्याद्री रेंज, जो मॉइस्चर लेडन विंड्स को रोक लेती है। यही कारण है कि सह्याद्री के वेस्टर्न पार्ट में बहुत बारिश होती है, जबकि ईस्ट साइड में सूखे जैसी सिचुएशंस भी एक्सपीरियंस करी जाती हैं। सह्याद्री के अलावा यहाँ सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट रेंजेस भी हैं। स्टेट का मेजॉरिटी हिस्सा भारत के लार्जेस्ट प्लेटू यानी डेक्कन प्लेटू के अंडर आता है, जो एक लावा प्लेटू का एग्जाम्पल है। इसलिए स्टेट में 3/4 हिस्से में ब्लैक या रेगुलर सॉइल मिलती है, और इसमें कॉटन, ज्वार, तूर, बाजरा, वीट और शुगरकेन जैसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। भारत की सेकंड लार्जेस्ट रिवर गोदावरी, थर्ड लार्जेस्ट रिवर कृष्णा और तापी, इंद्रावती, वर्धा, पेनगंगा और पूर्णा यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। तो दोस्तों, शेयर करिए महाराष्ट्र की ज्योग्राफी को अपने ही महाराष्ट्र के दोस्तों के साथ।